हेलो फ्रेंड, कैसे हो साथियों। स्वागत है हमारे चैनल गार्डनिंग लाइफ में। तो दोस्तों, आज हम दिखा रहे हैं कि बरसात के मौसम में, जैसे कि अगस्त का मौसम चल रहा है अभी, और आप देख पा रहे होंगे हमारे कितने हेल्दी प्लांट हैं, हिबिस्कस के प्लांट, गुड़हल के प्लांट। तकरीबन हमारे बहुत से दोस्तों का शिकायत रहता है कि हमारे गुड़हल के प्लांट के पत्ते पीले पड़ रहे हैं या फूल बन नहीं पाते, कलियाँ बन के गिर जाती हैं। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। आज हम स्टेप बाय स्टेप आपसे बात करेंगे, समझाएंगे कि किस प्रकार से हमें अपने गुड़हल के प्लांट में या जो भी प्लांट हमारे हैं बरसातों में किस तरह से केयर करना चाहिए। तो सबसे पहले हमें दोस्तों इस तरह से मिट्टी पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कई बार बारिश के मौसम में हमारे मिट्टी में फंगीसाइड अटैक कर जाती है, तो इसका विशेष ध्यान रखना है। सबसे पहले काम है कि मिट्टी को अच्छे से बना लेना है। अगर आपने रिपोर्टिंग नहीं करी थी तो फटाफट रिपोर्टिंग कर लीजिए। वैसे तो इसका जून जुलाई का मौसम होता है या फिर जनवरी फरवरी का मौसम होता है रिपोर्टिंग करने का। वैसे अगर आपने नहीं करी, छोटे गमले में प्लांट लगा रखे हैं, तो अभी भी जड़ें काट कर दोबारा भर दीजिएगा। हमारे यूट्यूब चैनल में आपको रिपोर्टिंग के वीडियो पहले से मैंने अपलोड कर चुका हूँ, वो आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो यह है दोस्तों कि बरसात के मौसम में हमें गोबर की सड़ी हुई खाद बिल्कुल नहीं डालना है इसके अंदर, इससे फंगीसाइड अटैक कर जाती है। तो इसके अंदर केमिकल वाली खाद अगर यूज करें तो बढ़िया है। सबसे पहले देखिए, हम इस्टे ममाल कर रहे हैं, ये हमारा जो है पोटाश खाद है दोस्तों, ये पोटेशियम बोलते हैं जिसको, हर बीज और खाद नर्सरी दुकान पर आपको मिल जाएगा। एक एक चम्मच की मात्रा में हमें बरसात के मौसम में खाद डालना है पोटाशियम की। आज हम दो चार खाद के बारे में बताएंगे जो कि आप बड़े आसानी से यूज कर सकते हैं, और उसके बाद में आपका प्लांट पूरी सर्दी पूरी बरसात आपको बिल्कुल हरा भरा और मस्त रहेगा। तो ये है दोस्तों हमारा सिंगल सुपर फास्फेट, जिसको हम धान और गेहूं मक्का वगैरह में यूज करते हैं। तो इससे हमारे प्लांट को काफ़ी एनर्जी मिलती है और काफ़ी हमारा प्लांट हरा भरा रहता है। और तो छोटा चम्मच में आप लोगों को एक एक प्लांट के बारे में दिखा रहा हूँ। वैसे तो आप चाहें तो कई बार नर्सरी पर इकट्ठा छोटा छोटा पौधा नहीं मिलता, तो हमें इकट्ठा ले आना होता है। एक दोस्तों है, ये हमारा सल्फर है, सल्फर जिसको बोलते हैं, सल्फर भी हमें यूज करना होता है। अगर सल्फर वगैरह हम अपने प्लांट में यूज करते हैं तो बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्स आएगा। आप गुलाब हो गया, गुड़हल हो गया, और इन पौधों में क्या होता है दोस्तों कि सर्दी के मौसम में इनको फंगीसाइड लगने का बहुत डर रहता है, या मिनी बैग का टेक पड़ जाता है। तो हमें इस पाउडर को अच्छे से यूज कर देना दोस्तों। ये हमारा माइक्रो नोटेशन खाद होती है, ये भी आपको बड़े आसानी से मिल जाती है, इससे हमारे फंगीसाइड वगैरह नहीं लगती है। जैसा कि हम पहले चूना में एक वो आती थी उस डीडीटी पाउडर, उस तरह से होता है ये डीडी पाउडर की तरह, तो वो भी आप डाल सकते हैं। इस तरह से आपको मार्केट में अनेकों प्रकार की खाद मिल जाएगी। और ये है सल्फर दोस्तों, सल्फर भी हम यूज कर सकते हैं, और नीम की खली भी हम यूज कर सकते हैं, या मस्टर्ड केक भी थोड़ा थोड़ा डाल सकते हैं, सरसों की खली वगैरह। ये मैं आपको एक एक चम्मच दिखाने के लिए बना रहा हूँ, बाकी आप लोग एक एक किलो की पैकेट मंगवा करके नर्सरी से या फिर दुकान से बीज की इकट्ठे एक डब्बे में भरकर मिश्रण बनाकर रख सकते हैं, और 15 से 20 दिन के बाद एक एक चम्मच सारे प्लांट में हम डाल देंगे। क्योंकि दोस्तों हमारे हिबिस्कस प्लांट के अंदर जो है विटामिन की कमी हो जाती है, या एनर्जी की कमी हो जाती है कैल्शियम वगैरह की, इसी से हमारे जो मिनी बैग होते हैं वो उसमें मिनी बैग का अटैक हो जाता है फंगस से, और जो कई बार क्या होता है कलियां जो है पीली पड़ के गिरने लगती हैं। तो अगर इन खादों का हम बरसात में यूज करते हैं तो बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। गुड़ाई करने के बाद उसको धूप में रख देना है प्लांट को। एक बार वो भी बताना चाहूँगा कि हमारे प्लांट को हिबिस्कस या जितने भी फ्लावर वाले प्लांट हैं, फूल देने वाले, इनको सबको हमें अच्छे से पूरे फुल सनलाइट में रखना चाहिए, जहाँ पर सुबह से लेकर शाम तक की धूप मिले, या दोपहर तक धूप तो बिल्कुल मिलना ही चाहिए। क्योंकि जितने भी फ्लावर होते हैं इनको धूप की बहुत सख्त रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि धूप से ही एनर्जी मिलती है। दूसरी बात दोस्तों, हम आपको दिखाना चाहेंगे इसके अंदर स्प्रे करते हैं, जो कई बार मिनी बैग का टैग पड़ जाता है। तो स्प्रे के लिए हमें जो घर में चावल धोते हैं, साथियों चावल के पानी को जो हम धोते हैं उसको इकट्ठा कर लेना है, उसके अंदर थोड़ा सा शैम्पू मिला लेना है। अगर नीम ऑयल है तो ठीक है, नहीं नीम के पत्ते को भी उबालकर उसका पानी मिलाकर एक डिब्बे में भर के रख लेना है किसी बोतल में, और 15 से 20 दिन के बाद हमें इस तरह से सुबह या शाम के टाइम स्प्रे कर देना है। इससे कोई कीड़े मकोड़े या फंगस वगैरह लगने का अटैक बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो इस तरह से अगर हम पूरी तरह से इस प्लांट को नहला देते हैं, और आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे हिबिस्कस जो गुड़हल होते हैं इंग्लिश वाले, उसके अंदर क्या होता है, हमारे प्लांट ज्यादातर डैमेज होने लगते हैं।
तो डैमेज होने का मेन कारण होता है तो दोस्तों या ओवर वाटरिंग या खाद का पानी न पानी खाद वगैरह ना मिलना। तो कोशिश करें कि इसके अंदर फर्टिलाइजर का पूरा ध्यान रखें और इन मौसम में बरसाती मौसम में गोबर का सड़ा हुआ खाद बिल्कुल ना डालें, क्योंकि ऐसे मौसम में क्या होता है कि फंगीसाइड का अटैक बहुत लग जाता है। ये प्रक्रिया अगर आप अपनाते हैं तो मैं वादा करता हूँ दोस्तों कि आपके प्लांट में हमेशा फूल भरा रहेगा, नीचे से लेकर ऊपर तक, जड़ से लेकर ऊपर तक ये जो है अच्छे से फूल देता रहेगा। क्योंकि ये प्रक्रिया अक्सर नर्सरी वाले ही अपनाते हैं और आपने देखा होगा कि जब नर्सरी में हम प्लांट लेने जाते हैं तो नीचे से लेकर ऊपर तक फूल जो है बढ़िया हंसते खेलते मुस्कुराते रहते हैं, पर घर में आते ही हमारे प्लांट डैमेज होने लगते हैं और फूल देना बंद कर देते हैं। तो इनको बहुत सख्त एनर्जी की ज़रूरत होती है दोस्तों, क्योंकि मैं बहुत मतलब कि मुझे 25 साल हो गए इस काम को करते हुए, तो मैं आपको अपना अनुभव दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ दोस्तों। अगर इस प्रक्रिया से आप अपना आज के टाइम में चाहे बंदा हो चाहे पेड़ पौधे हों, बिना दवाई के बिना खाद के कोई चीज़ कामयाब नहीं है। तो इसलिए आपको फर्टिलाइजर बहुत ही बढ़िया से यूज करना चाहिए। 15 से 20 दिन के अंदर में एक एक चम्मच हमें फर्टिलाइजर डालना चाहिए प्लांट में। ये सारे प्लांट में जो फर्टिलाइजर मैंने बताया ये ऑनलाइन भी मिल जाएगा और खाद और बीज की दुकान पर नज़दीकी आप नर्सरी से भी ला सकते हैं। तो दोस्तों कोशिश हमारा यही रहता है कि आप लोगों भटके ना और अच्छे अच्छे प्लांट लगाएं अपने गमले में। और दोस्तों आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें लाइक करें, सपोर्ट करें, सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस तरह से वीडियो हम लाते रहते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते किसी अच्छे वीडियो में।